आज अगर वहां राम मंदिर बन रहा है वो तो देश की नींव है जी, देश की आस्था है, एक रेजिलिएंट भारत है कि हर मुश्किल के बावजूद लोगों ने अपना विश्वास समाप्त नहीं किया। ये तो वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक मानते हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? इनके लिए तो राम काल्पनिक है, हमारे लिए राम हमारे आदर्श है। अहिल्या माता थी, चाहे वो शबरी थी, चाहे वो खेवट थे, चाहे वो वानर सेना थी, वो सब वही लोग थे जो मार्जिनलाइज थे, उनको मेनस्ट्रीम करने का काम जो है वो राम भगवान ने किया। अरे भैया, जहां पर अधार्मिक कार्य हुए, धर्म को मानने वाले लोगों के साथ आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी आस्थाओं को बदला, उनको उनके मनोबल को, अगर वहां राम मंदिर बन रहा है वो तो देश की नींव है जी, देश की आस्था है, एक रेजिलिएंट भारत है कि हर मुश्किल के बावजूद लोगों ने अपना विश्वास समाप्त नहीं किया। ये तो वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक मानते हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? इनके लिए तो राम काल्पनिक है, हमारे लिए राम हमारे आदर्श है। और देश की जनता जो राम को अपना आदर्श मानती है, रामायण से रोज नई शिक्षा प्राप्त करती है, उसको पता है कि धर्म आधार है किसी भी न्यायपूर्ण व्यवस्था का। और राम राज्य इसीलिए कहा जाता है जहां पर इंक्लूजन है, जहां पर हर व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको साथ लेकर चलने का जो राज्य है वही राम राज्य है। और आपको उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इन्होंने रामायण पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होती तो इस तरीके की बात नहीं करते, इनको मैं बताना चाहती हूँ कि राम का पूरा जीवन शोषित, पीड़ित, वंचित के उद्धार में ही लगा, चाहे वो अहिल्या माता थी, चाहे वो शबरी थी, चाहे वो खेवट थे, चाहे वो वानर सेना थी, वो सब वही लोग थे जो मार्जिनलाइज थे, उनको मेनस्ट्रीम करने का काम जो है वो राम भगवान ने किया। और जिन लोगों को आपके राज्य में बैंक के खाते नहीं खुले, गैस के चूल्हे नहीं मिले, वैक्सीन आप विदेशी लगवाना चाहते थे, जिनको आप लोगों ने कभी शौचालय जैसा चीज नहीं प्रोवाइड किया, आप क्या बात करेंगे न्याय की? अन्यायपूर्ण व्यवस्था आपकी मलकियत में चली है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।